व्हाट्सएप मेटा एआई के जरिए आप लोगों को ना सिर्फ मैंने प्रैक्टिकली काम करने का तरीका बताया था, बल्कि जो मैंने खुद इसको इस्तेमाल करते हुए 6 लाख रुपए की अर्निंग की थी उसका मैंने आपको सबूत दिया था और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली वो काम करके भी बताया था। अगर आप यूट्यूबिंग नहीं कर सकते, आप फाइबर अपवर्क के ऊपर नहीं जा सकते, आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते या फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ये वाला काम आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जो आप लोगों ने जीरो एक्सपीरियंस के साथ, कम तालीम के साथ, ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन यानी कि व्हाट्सएप मेटा एआई के जरिए करना है। 6 लाख रुपए की ऑनलाइन अर्निंग जो मैंने की थी व्हाट्सएप मेटा एआई को इस्तेमाल करते हुए, उसका ना सिर्फ मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया था बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकली वो काम करके भी दिखाया था और माशाल्लाह से उसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पांस रहा और मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस रिसीव हुई लोगों की, जो लोग इंटरेस्टेड थे ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए मेटा एआई के जरिए, क्योंकि मेटा एआई को आए हुए अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मैंने इतने से टाइम में इसके जरिए अच्छी खासी अर्निंग की, इसका सारा सबूत मैंने इस वाली वीडियो में दिया था। और इसी वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी, तो ऑफ कोर्स मेरा ये फर्ज बनता है कि जब आप लोग इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप लोग मुझे इतना ज्यादा सराह रहे हैं मेरे काम को और मेरे बताए जाने के तरीके को कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता है और आप लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल के साथ बताऊं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि आप लोगों ने व्हाट्सएप मेटा एआई के जरिए किस तरीके से पैसे कमाने हैं जिस तरीके से मैंने कमाए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो मेरा नाम है शिजराना और मैं आप लोगों को यहां पर फ्रीलांसिंग, ट्रेडिंग और इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट तरीके बताती हूं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में बताती हूं, आप लोगों को यूट्यूबिंग सिखाती हूं, ब्लॉगिंग सिखाती हूं, वेब डेवलपमेंट सिखाती हूं और इसके अलावा अ लॉट ऑफ वर्क जो कि फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके बताती हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं तो दिस इज द चैनल फॉर यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को हर चीज डिटेल के साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें, मैं व्हाट्सएप के ऊपर आई हूँ मेटा एआई में, लैपटॉप से मैंने ओपन किया है, आपने अपने मोबाइल फोन से इजीली इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर देखें, मैंने टाइप किया है राइट अ ब्लॉग ऑन द रेसिपी ऑफ 1 पाउंड चॉकलेट केक विद कम्प्लीट इन्ग्रीडियंट्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बोला एंड क्वान्टिटी, ऑल्सो शेयर द न्यूट्रिशनल चार्ट ऑफ द 1 पाउंड केक एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पर देखें, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया उसमें मैंने इसको बोला है कि 1 पाउंड का चॉकलेट केक हो और उसके साथ उसके इंग्रेडिएंट्स हो, इंग्रेडिएंट के साथ साथ जो है न्यूट्रिशनल चार्ट भी हो और डिस्क्रिप्शन भी हो। तो यहां पर देखिए, इसने मुझे कंप्लीट डिटेल दे दी है। सबसे ऊपर यहां पर टाइटल आ रहा है, उसके बाद इंट्रोडक्शन आ रहा है, इंट्रोडक्शन के बाद यहां पर रेसिपी का नेम आ रहा है, फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स में सारे के सारे इंग्रेडिएंट है विद देयर क्वांटिटी, और उसके बाद यहां पर इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन यानी कि रेसिपी का पूरा तरीका आ रहा है, और उसके बाद यहां पर न्यूट्रिशनल चार्ट आ रहा है पर सर्विंग के हवाले से, और यहां पर परसेंटेज के साथ जो है वो कंप्लीट बताया हुआ है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है और कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, ये सब कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें डिटेल के साथ आ रही हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको बोला है ओके थैंक यू, क्रिएट सम इमेजेस ऑफ चॉकलेट केक। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिए और यहाँ पर अगर नीचे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर उसने हमें एक चॉकलेट केक की इमेज भी दे दी है जनरेट करके, लेकिन ये इमेज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। और चेंज करने के लिए ऑफकोर्स मैंने इसको अगेन प्रॉम्प्ट देनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है, प्लीज़ क्रिएट अ ह्यूमन क्लिक बेस्ड इमेज ऑफ द चॉकलेट केक विद सम डेकोरेशन ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड नट्स, के नट्स और स्ट्रॉबेरीज की गार्निश या डेकोरेशन के साथ मुझे ये वाला चॉकलेट केक चाहिए। जो कि यहाँ पर आप देखें कि सारी की सारी उसी डिटेल के साथ इसने हमें इमेज जनरेट कर दी है, और यहाँ पर इसको मैंने कहा है प्लीज़ एनिमेट द इमेज, तो उसने जो है इमेज को एनिमेशन में भी कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, मैंने इसको कहा है क्रिएट अ स्लाइस ऑफ द केक, तो यहाँ पर उसने एक स्लाइस की भी इमेज जनरेट कर दी है। फिर मैं इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, फिल दिस स्लाइस प्लेट विद स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ पर देखें कि इसने जो है वो पूरे स्लाइस को स्ट्रॉबेरीज के साथ जो है वो डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, मैंने उसे एक क्लोजअप इमेज को भी जनरेट करवाने का बोला और उसने बहुत अच्छे तरीके से ये कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ऊपर टॉप पर आइए, यहाँ पर जो हम लोगों ने राइट करवाया था ब्लॉग, हम लोगों ने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस पेज के ऊपर आ जाना है। तो ये पेज कहाँ से आएगा ये मैं आपको भी आगे चल के बताऊँगी, पहले आप काम
काम को समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो पोस्ट लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने ऐड अ न्यू पोस्ट का ऑप्शन आता है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो नीचे वाला बॉक्स आ रहा है, आप लोगों ने वो सारा का सारा जो टेक्स्ट कॉपी किया था व्हाट्सएप मेटा एआई से, उसको आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है ना सबसे ऊपर टॉप पे, इस टाइटल को आपने जस्ट यहाँ से रिमूव करना है, और ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा है इस बॉक्स का, यहाँ पर आप लोगों ने उस टाइटल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे ये इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसको मैं बी के ऊपर क्लिक करके बोल्ड कर लेती हूँ और आई से इटैलिक कर लेती हूँ। इसी तरह से अगर नीचे देखें जो ये रेसिपी लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने पैराग्राफ में आके इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है। हेडिंग 3 को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंग्रेडिएंट देखें, इंग्रेडिएंट्स को भी जो है मैं बोल्ड कर लेती हूँ या पैराग्राफ से चेंज कर लेती हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो चेंजिंग कर लेनी है। चेंजिंग करने के बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। पहले मैं ये सारी हेडिंग जो है इनको बड़ा कर लूँ। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन सब पे पैराग्राफ 3 लगा के इसको सेटिंग में ले आई हूँ। अब इसके बाद ये जो रेसिपी 1 पाउंड चॉकलेट केक है, यहाँ पर अलाइनमेंट पे क्लिक करके सेंटर अलाइन मैंने इसको कर लेना है, ये सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद ये जो ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने अपलोड फाइल पे आना है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों की गैलरी खुल जाएगी कंप्यूटर की या आपके मोबाइल फ़ोन की। इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इमेजेस की डिटेल देनी है, टाइटल, कैप्शन या डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें वो। देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी। इसी तरह से आपने इमेज के ऊपर क्लिक करके अगर आप इसकी एडिटिंग करना चाहें, क्रॉप करना चाहें या कोई और इमेज से रिप्लेस करना चाहें, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर अलाइन से इसको जो है वो लेफ्ट अलाइन कर दी है, और यहाँ पर इंग्रेडिएंट के फर्स्ट में आके मैंने बैक स्पेस का बटन दबाया है, तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट मेरे सारे के सारे इमेज के सामने आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट आ गए। अगर आप इमेज को चेंज करना चाहें आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर टाइटल आ गया, फिर इंग्रेडिएंट आ गया, फिर उसके बाद रेसिपी आ गई है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप न्यूट्रिशनल चार्ट देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर पब्लिश का जो ऑप्शन आ रहा है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये वाला जो मेरा आर्टिकल है, ये जो मेरा ब्लॉग है, ये मेरा पोस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं कोई भी अगर लिंक पेस्ट करती हूँ तो वो मेरा क्लिकेबल लिंक होगा, कोई भी उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं यूट्यूब के ऊपर आई हूँ और मैंने अपना ही चैनल को ओपन किया है और मैंने अपने चैनल का लिंक कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया है, और जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करती हूँ ये मेरा लिंक यहाँ पर लग चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर देखें ये नीचे मेरे सामने बार आ रहा है, मैं जैसे इस बार के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ले आएगा रीडायरेक्ट करके। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर अगर आप किसी वीडियो का लिंक देना चाहते हैं तो सिंपली जैसे ये वाली वीडियो है, मैंने 3 डॉट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर देखिए ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है लिंक के सामने। मैंने यहाँ पर जस्ट कॉपी करना है तो मेरी वीडियो का लिंक कॉपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपने चैनल का लिंक हटा के वीडियो का लिंक पेस्ट करती हूँ और इसको ओके करती हूँ, तो जैसे ही फिर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके यूट्यूब के ऊपर उस स्पेसिफिक वीडियो पर ले जाएगा जिसका मैंने यहाँ पर लिंक लगाया है। तो ये लिंक मैं आप लोगों को इसलिए लगाना बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग जब रेसिपीज़ को अपलोड करें तो हो सकता है कि आप लोग उसका यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोज़ बना के डालें, तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज हो जाएगा कि आप लोग अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट करके यूट्यूब पर भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने है ये लिंक्स लगा लेने हैं। अब आप लोगों ने यहां पर कमाना कैसे, चलिए मैं आपको ये बताती हूं। यहां पर देखिए जैसे मैं गूगल के ऊपर आई हूं और यहां पर आके मैंने सर्च किया है 1 पाउंड चॉकलेट केक रेसिपी, तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं और नीचे आप लोगों को यूट्यूब की वीडियोस भी नजर आ रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूं और आप लोगों को जो है वो डिटेल के साथ बताती हूं। यहां पर देखिए जैसे ये ऑल रेसिपीज का है कि मेरे सामने ब्लॉग आ रहा है इजी चॉकलेट चिप पाउंड केक रेसिपी, मैं इसको क्लिक कर लेती हूं और इसको ओपन कर लेती हूं। यहां पर मैंने इसको ओपन किया है, यहां पर अगर आप देखें ऊपर जो है वो टाइटल आ रहा है, नीचे थोड़ी सी जो है वो डिटेल आ रही है, डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन आ रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर केक की इमेज आ रही है। केक की इमेज के बाद यहाँ पर अगर आप देखें ये इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सेम मैंने भी आपको मेटा एआई से निकाल के दिखाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है और उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम इसके यहाँ पर पेजेस में देखें, जैसे यहाँ पर देखें ये मील में लंच आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर लंच की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आ जाती हैं। मैं किसी भी एक को ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पर देखिए अगेन
अगेन वही वाला सारा जो है वो प्रोसेस फॉलो किया हुआ है। पहले यहाँ पर टाइटल है, फिर उसके बाद इमेज है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आफ्टर दैट यहाँ पर इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन यानी कि कंप्लीट तरीका बताया हुआ है, और उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बस ये वाला काम करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साइड में इनके काफ़ी ज़्यादा एड्स चल रहे हैं जिनके जरिए ये साइट अर्निंग कर रही है। कितनी अर्निंग कर रही है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ ये साइट बनेगी कैसे। यहाँ पर देखिए अगर मैं ये साइट वर्ड के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर allrecipes.com की अगर हम साइट वर्ड देखें तो यहाँ पर डेली इस्टीमेट इनका तकरीबन $694 का आ रहा है, तकरीबन $700 डेली का जो है वो इसका इस्टीमेट आ रहा है अर्निंग का, और अगर मंथली देखें तो वो $20,000 के पास आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में ये 55-56 लाख तक जो है वो सिर्फ महीने का कमा रही है एक साइट सिर्फ रेसिपीज को अपलोड करके। अगर आप लोगों की बात की जाए, आप लोग महीने में $20,000 नहीं कमाते, अगर आप $1,000 भी कमा लेते हैं तो तकरीबन आप लोगों के 3 लाख के आसपास की अर्निंग बनती है। चलिए सपोज करते हैं कि 1 लाख भी नहीं, 1,000 भी नहीं, आप $500 भी कमाते हैं तो $500 भी तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनते हैं, जो कि अच्छी खासी अर्निंग है इनिशियल लेवल पर। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये साइट बनानी कैसी है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह की एक साइट बनाएं जैसे ये सारे पेजेस बने हुए हैं, ऊपर टाइटल आ रहा है, बाकी सारी डिटेल आ रही है, और आप लोग जस्ट इस पेज के ऊपर आएं और पेज के ऊपर आने के बाद आप सिर्फ रेसिपीज़ को अपलोड करें और उसके ज़रिए आप लोग अर्निंग करें, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को अपनी होस्टिंग को परचेज़ करना है। होस्टिंग को बाय करने का तरीका यहाँ पर मेरे चैनल पर मैंने ये सिखाया हुआ है इस वाली वीडियो में, आप मेरे चैनल के ऊपर आइए और ये वाली वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने वेबसाइट बनाने का कंप्लीट तरीका सिखाया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट को खरीदने के बाद मुझसे मेरे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करना है। ईमेल की डिटेल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर भी आ रही होंगी। आप लोगों ने मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए होस्टिंग को बाय करके मुझे कांटेक्ट करना है और मैं आप लोगों को फ्री की वेबसाइट बना के दूंगी। अगर इस वेबसाइट की मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो मार्केट में अभी इसकी प्राइस 40,000 से लेकर 1 लाख तक चल रही है, लेकिन आप लोगों को एज अ माई सब्सक्राइबर मैं ये एडवांटेज दूंगी कि आप लोगों को ये फ्री की वेबसाइट बना के दूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने जो होस्टिंग को परचेज करना है वो आप लोगों ने मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए परचेज करना है, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को सिर्फ फिर अपने ब्लॉग पोस्ट करनी होगी, बाकी सारी सेटिंग और बाकी सारे पेजेस वगैरह वो मैं आप लोगों को खुद बना के दूंगी। आई होप अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप मेटा एआई को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने कैसे पैसे कमाने हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अभी इसके ऊपर वर्क कीजिए, अभी जाइए, अभी काम कीजिए और ऑनलाइन पैसे कमाइए मेरी तरह। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।